सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों ने फ्री फायर मैक्स को ब्लूस्टेक के जरिए अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करा है और ब्लूस्टेक 5 में दोस्तों वो गेम लेग कर रही है। जैसे कि आपका करेक्टर लोबी में खड़ा है तो भी लेग हो रही है, गेम खेल रहे हैं तो भी लेग हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो गेम है वो स्मूथली रन करे आपके पीसी में और आपके लैपटॉप में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो भाइयों, हम लोग आ चुके हैं गेम में और आप लोग देखो सारी चीजें कैसे स्लोली स्लोली आ रही है, यानी कि भाइयों जो गेम है वो लैग कर रही है। देखना अभी तो गेम हम लोगों ने खेलना शुरू ही नहीं किया है और गेम भाइयों लैग कर रही है। और आपके साथ भी दोस्तों यही इशू होता है, तो मैं आपको सबसे पहला एक सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। एक सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि आप लोगों को भाइयों अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन को ऑन कर देना है। वर्चुअलाइजेशन को कैसे ऑन करते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको देख लेना। लेकिन अगर आपका पीसी भाइयों अलग है, जो मैं तरीका बताया वो काम नहीं करता है, तो यूट्यूब पे आपको आपके पीसी के रिलेटेड और भी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग सर्च कर लेना। लेकिन हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑन है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत लैग का इशू देखने को मिल रहा है। अगर गेम खेलने चले जाएंगे तो बहुत होगा इशू। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो सेटिंग में आपको दिखाना चाहूंगा डिस्प्ले सेटिंग। तो अभी ये स्टैंडर्ड में है फिर भी लैग कर रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी सेटिंग हमें करनी है ताकि हमारी जो गेम है वो लैग ना करे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्क्रीन को कर देंगे छोटा और यहाँ पर दोस्तों हम लोग जाएंगे सेटिंग वाले सेक्शन में। ऊपर भी हमें सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। और भाइयों, काफी सारे लोगों के पीसी में सीपीयू कोर 4 होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो हमारे पीसी में भाइयों 4 है। लेकिन दोस्तों हमें कितना रखना है, मैं तो भाइयों 1 रखूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपका पीसी भाइयों लो एंड है जिसमें 4 GB रैम है तो 1 ही रखना। अगर 4 कोर है आपके प्रोसेसर में तो आप 2 रख सकते हो, लेकिन मैं भाइयों 1 ही रखूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोगों का 1 होगा, तो भाइयों 1 होगा तो फ्री फायर मैक्स चालू नहीं होगी, वहां पे 2 GB का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, तो आपको भाई 2 GB करना पड़ेगा या फिर आप लोग कस्टम भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर दोस्तों कस्टम कर देता हूँ 1700, आपको भी कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो है परफॉर्मेंस मोड, काफी सारे लोगों का भाई हाई में रहता है, काफी सारे लोगों का लो में रहता है, तो आपको बैलेंस कर देना है। और ये जो फ्रेम रेट है भाई ये आपको इतना ही रखना है, इसके आसपास रखना है, ज्यादा रखोगे तो गेम लैग करेगी। ये सारा करने के बाद भाई हमें कर देना है सेव चेंजेस पे क्लिक। तो यहाँ पर भाई रिस्टार्ट होगा ब्लूस्टेक 5, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और वर्चुअलाइजेशन का दोस्तों मैंने जो आपको बताया उसे आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसे आप लोग ऑन कर लोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा गेम को प्ले करने में, कोई भी लैग का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग ये सेटिंग कर लेते हो तो। तो भाइयों हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम टैप टू बिगिन करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी हमें कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा कि सारी चीजें स्लोली स्लोली आ रही हो। ये इशू दोस्तों फिक्स हो चुका है, आप लोग देखना सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग इमोट करेंगे तो इमोट में भी हमें कहीं लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। और भाइयों अगर लैग का इशू थोड़ा बहुत देखने को मिलता है तो आप लोग भाइयों डिस्प्ले सेटिंग को स्मूथ कर दो और आप लोग भाइयों देखना जादू, आपको ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा फ्री फायर मैक्स में, लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा ब्लूस्टेक 5 में फ्री फायर मैक्स चलाते हो तो। इसके अलावा दोस्तों फिर भी आपको लैग का इशू देखने को मिलता है तो आप लोग भाई दोबारा से सेटिंग में जाइए, 4 कोर है तो 2 कोर कर दीजिए, यहाँ पर भाइयों आप लोग 2 GB कर दीजिए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, रिस्टार्ट कर दीजिए और गेम स्टार्ट होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों अभी हम दोबारा से टैप टू बिगिन करने वाले हैं, दोबारा से दूसरी सेटिंग करने के बाद, और अभी हम लोग देखेंगे कि इशू देखने को मिलता है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो दोस्तों हमें इशू देखने को नहीं मिलेगा इतना ज्यादा लैग का, आप लोग देख सकते हो सारा स्मूथली ओपन होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीजें बैनर हटा देते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये वाले इमोट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि हमें जरा भी इशू देखने को नहीं मिलेगा इस दूसरी सेटिंग से। और यहाँ पर भाई हम लोग डिस्प्ले सेटिंग में जाके स्टैंडर्ड कर देते हैं, स्टैंडर्ड करने के बाद इमोट करते हैं, तो इमोट में क्या हमें इशू देखने को मिलता है लैग का, तो आप लोग देखो सारी चीज़ें कैसे हो रही है। ये सेटिंग आप लोग कर सकते हो, पहली वाली सेटिंग से इस तरीके से वर्क ना करे तो दूसरी वाली सेटिंग है ही। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ आपको क्या करना है, मीडियम 2 कोर, मीडियम 2 GB बैलेंस और फ्रेम रेट 30, इतना कर दो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिस्प्ले में जाके अल्ट्रा पे भी करके एक बार देख लेते हैं, तो आप लोग दोस्तों देखिए इसमें भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इमोट करते हैं जिसमें हमें कोई ऐसा इशू देखने को मिले कि हाँ इमोट स्लोली चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखो ऐसा कोई इशू हमें देखने को नहीं मिलेगा।
अभी हम लोग भाई डिस्प्ले को और मैक्स कर देते हैं, अल्ट्रा तो कर अभी हम मैक्स कर देते हैं। मैक्स करने के बाद भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो इमोट में हमें कोई भी ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला है। और दूसरी चीजों को हम ओपन करेंगे तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि आसानी से ओपन हो जा रही है। तो भाइयों ये सेटिंग थी ब्लूस्टेक 5 की फ्री फायर मैक्स के लिए। ये आप लोग कर सकते हो, पहली भी कर सकते हो। पहली सही तरीके से वर्क ना करे तो दूसरी सेटिंग जो मैंने आपको बताई वो कर लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।